तो आपको ये बता दें कि जो भी उन्होंने जवाब दिए हैं उससे संतुष्ट ईडी नहीं पाया गया। उनसे पूछा गया कि राम विनोद प्रसाद सिन्हा के खिलाफ शिकायत के बावजूद आपने क्या कार्रवाई की, इस पर पूजा सिंघल ने कहा कि वो फाइल देखकर ही आगे कुछ बता पाएंगी। ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है मेरे सहयोगी शशांक। शशांक, इस वक्त क्या पूजा सिंघल ईडी दफ्तर के अंदर ही मौजूद है? जी हाँ रूबिका, बिल्कुल बिल्कुल ईडी दफ्तर के अंदर अभी पूजा सिंघल हैं और जो सूत्र बता रहे हैं कि उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आज उनके पति 4:30 बजे अंदर आए थे, हाथ में 3-4 फाइल लेके आए थे। उसी समय ऐसा मिल रहा था कि आज कोई बड़ा एक्शन होना, क्योंकि वो जवाब लेके आए थे, लेकिन लगता है ईडी संतुष्ट नहीं दिखी है। उनके पति अभी अंदर है और जो सीए सुमन है उनको ऑलरेडी आज से 5 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ईडी ने उनको 5 दिन के लिए रिमांड पे लिया था। कल उनके रिमांड खत्म हो रही, लेकिन उसके पहले ही जो सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव बता रहे हैं कि पूजा सिंघल को मनरेगा घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया है। मनरेगा घोटाले के पैसों के मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच जो है ईडी कर रही थी, इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। लगातार उनसे कल 8 घंटा सवाल किया गया, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं सब सवाल का गोलमोल जवाब दे रही थी। एक दो सवाल तो ऐसे थे जिसमें वो ईडी से ही सवाल कर रही थी, और उनका सीए जो है वो पूरे मामले में सरेंडर कर चुका था। उसके सरेंडर करने के बाद ही पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ी, ऐसी हमें जानकारी मिल रही। देखिए, यहाँ पूजा सिंघल ईडी से ही सवाल करने लगी थी। जब उनसे कहा गया कि जब आप खूंटी में थी, उपायुक्त 18 करोड़ का मनरेगा घोटाला हुआ था, उस समय जूनियर इंजीनियर जो है राम विनोद सिन्हा, उसने आरोप लगाया था कि जो खूंटी का उपायुक्त कार्यालय है वहाँ पे 5% कमीशन जाता था, तो हमारे सूत्र बता रहे हैं इसका सवाल के जवाब में पूजा सिंघल ईडी से ही सवाल करने लगी कि उसने उपायुक्त कार्यालय का नाम लिया होगा, मेरा डायरेक्ट नाम तो नहीं लिया, हमें जबरदस्ती उनके नाम के साथ हमें ना जोड़ा जाए। फिर इनसे ये पूछा गया था कि आपके सीए के यहाँ से कई लग्जरी गाड़ियाँ मिली हैं जो काफ़ी महंगी गाड़ियाँ हैं, क्या आपकी बेनामी संपत्ति हैं? उसमें वो जवाब देते फंस रही थी। हमारे सूत्र बता रहे हैं 19 करोड़ रुपया इनके सीए के घर से मिला था। पहले सीए ने ईडी से पूछताछ में कहा कि मेरे कैश नहीं है। निशिकांत दुबे का एक ट्वीट आया है, काले धन की मैया पूजा सिंघल आईएएस, झारखंड में मुख्यमंत्री जी ने इन्हें माइनिंग एवं उद्योग विभाग लूटने के लिए दिया था, इन्हें ईडी ने आज रांची में गिरफ्तार कर लिया। सूचना अनुसार इन्होंने पैसे के खेल में राजनेता की भूमिका का भी खुलासा किया है। शशांक, ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं निशिकांत दुबे? राजनेता की भूमिका का भी खुलासा किया आप, है आप आप एक बार निशिकांत दुबे का ट्वीट फिर से पढ़िएगा, मैं सुन नहीं पाया हूँ आपकी आवाज। वो ये कह रहे हैं कि इनको मुख्यमंत्री ने ये जो उद्योग विभाग है, माइनिंग एवं उद्योग विभाग, वो लूटने के लिए दिया था। ईडी ने आज रांची में इनको गिरफ्तार किया और इनकी सूचना अनुसार ये कह रहे हैं निशिकांत दुबे कि इन्होंने पैसे के खेल में राजनेता की भूमिका का भी खुलासा किया है। यानी बहुत से लोग फंसेंगे, खूब सारे मंत्री भी फंस सकते हैं, राजनेता भी फंस सकते हैं। देखिए, निशिकांत दुबे गोड्डा से तीसरी बार बीजेपी के सांसद हैं, हेमंत सरकार से उनका 36 का आंकड़ा शुरू से रहा है। वो कई बार ट्वीट करके सनसनी फैला चुके हैं। राज्य सरकार ने भी उन पर कुछ मामले दर्ज किए थे, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनका अलग मामला है। वो जो ट्वीट कर रहे हैं हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई हो, बीजेपी या विपक्ष में, लेकिन ये जो वो बात कह रहे हैं इसका हमें अभी औपचारिक सूचना का इंतजार करना होगा। जो ईडी की तरफ से बाकायदा एक जो जानकारी मिल रही है कि एक प्रेस रिलीज जारी किया जा सकता है कि किन किन मामलों पर बातचीत हुई है, क्या क्या उनके यहाँ सबूत लगे, एक प्रेस रिलीज बात सामने आ सकता है। उसके बाद ही जो निशिकांत दुबे का ट्वीट है वो कितना सही है उस पर विश्वास किया जा सकता है। वैसे उन्होंने कई ऐसे ट्वीट्स किए हैं जो सही साबित हुए हैं, लेकिन उनका खुद ही झारखंड सरकार से 36 का आंकड़ा रहा है, ये झारखंड सहित पूरे देश की सियासत में किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम ईडी दफ्तर के बाहर यहाँ देखेंगे, मीडिया का जमावड़ा, जबरदस्त हलचल यहाँ पे है। पूजा सिंघल अभी अंदर हैं, गिरफ्तार किया गया है। जो जानकारी मिल रही है कि शायद उनको अभी मेडिकल के लिए वगैरह लिया जा सकता है, इस तरह की बात सामने आ रही है। और एक बात ये भी सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में जो ईडी के कुछ बड़े अधिकारी हैं वो शायद दिल्ली से यहाँ आ सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी जानकारी मिल रही है कि ईडी के कुछ बड़े अधिकारी दिल्ली से शायद यहाँ आ सकते हैं। यह मामला बहुत गर्म होने जा रहा है। हम आपको बता दें, ऑलरेडी बीजेपी इस मामले का जो तार है वो हेमंत सोरेन से जोड़ रही थी, कहती थी कि ये खान सचिव हैं, वो खनन मंत्री हैं, इन लोगों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है। जबकि दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की जो पार्टी है वो कहती थी कि ये 2008 का मामला है, तब बीजेपी की सरकार थी, शिकायत दर्ज हुई 2014 में, 2007 में। निशिकांत दुबे के इस ट्वीट से सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं शशांक, और इसीलिए पहला सवाल एबीपी न्यूज का यही है कि पैसे के इस खेल में कौन सा नेता शामिल है,
ये जो राजनेता शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है वो कौन सा नेता शामिल है? दूसरा सवाल ये कि पूजा सिंघल को किस नेता का संरक्षण हासिल था, जैसा आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है, क्या पूजा सिंघल ने ईडी को किसी नेता का नाम बताया है? ये हम निशिकांत दुबे के ट्वीट से ये सवाल उठते हैं। क्या झारखंड की सोरेन सरकार पर घोटाले का असर पड़ेगा? एबीपी न्यूज का ये चौथा सवाल है। इन्हीं सारे सवालों के इर्द गिर्द इस वक्त पूजा सिंघल की गिरफ्तारी घूमती हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।